हेलो फ्रेंड्स, मैं राज और मेरे चैनल का नाम है इजी कुकिंग रेसिपीज। हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल इजी सिंपल रेसिपीज बनाएं और आज हम बनाएंगे मूली का यूनिक पराठा। और मेरे ध्यान में है कि आप सब में से किसी ने ये चीज़ डालकर मूली का पराठा नहीं खाया होगा और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को, अपने बहन भाइयों को ये रेसिपी बताऊं ताकि आप लोग भी बनाओ और खाकर मुझे कमेंट बॉक्स में इनका टेस्ट बताओ। और मैं मूली में जो यूनिक चीज़ें डाल रही हूँ वो आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें हैं वो दिखा रही हूँ। हम सबसे पहले मूली तो हमें ज़रूरी है ही, मूली हम बना रहे, मूली का पराठा बना रहे हैं तो मूली चाहिए। और इसमें हम डालेंगे सोया न्यूट्री जो होती है, उसे मैंने भिगो कर रख लिया और हम इन्हें निचोड़ कर बाद में मूली में डालेंगे। और आलू, और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी पिकल का जो अचार का मसाला है वो डालूंगी। और मैं तो इससे बनाकर खाती हूँ, हमारे मेरी फैमिली में ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को रेसिपी और इसका टेस्ट कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले हम मूली को कद्दूकस करेंगे, ग्रेट करेंगे और फिर हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। और मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमने मूली की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने मूली कद्दूकस कर लिया है, धनिया मैंने काट लिया है, प्याज मैंने कद्दूकस किया है और इसमें डालेंगे आलू और ये सोयाबीन के जो न्यूट्री चंक्स हैं इनको हम अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे निचोड़कर। फिर हम डालेंगे स्टफिंग में, ऐसे ही हम मूली को अच्छे से निचोड़ कर तैयार करेंगे ताजो मूली की स्टफिंग में हमारे पानी ना रहे। अगर पानी रह गया तो फिर हम, हमारे जो पराठे हैं वो हमें बनाने में दिक्कत आएगी। ऐसे हम मूली का पानी अच्छे से निचोड़ेंगे। अच्छे से हमने इसको निकाल लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। आप चाहो तो मूली में नमक डाल के थोड़ी देर रख सकते हो और उससे क्या होता है कि मूली का पानी जो है अच्छे से निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसमें हमें कम मूली निचोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, प्याज और आलू। डालने का रीज़न फ्रेंड्स ये है कि आलू हम डालेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं और हल्दी जो होती है, जो मूली अपना वेट पानी छोड़ती है मॉइस्चर, तो उसको सोख लेती है और इससे टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। और ये हम डालेंगे पिकल अचार का मसाला, हल्का सा एक चम्मच डालेंगे। अब हम डालेंगे मिर्च, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने देगी मिर्च डाली, आप हरी मिर्च कट के डाल सकते हो। थोड़ी सी हल्दी और नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप इसमें अजवाइन, जीरा पाउडर कुछ भी डाल सकते हो। हमारे, मेरी बेटी अजवाइन पसंद नहीं करती, वो नहीं खाती, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। वैसे इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठों में। तो अब हम तैयार करेंगे अपने पराठे बेलकर। अब हमने अपना नमक, मिर्च और हल्दी सब मसाले डाले हैं। हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी हर चीज़ का टेस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं कसूरी मेथी बहुत पसंद करती हूँ। और एक चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, हल्का सा। और अब हम बनाएंगे अपने पराठे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे पराठा बेलकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने दो लोई बनाई है, इसके हम दो रोटियां बेलेंगे छोटी छोटी। दो लोइयां बेलकर हम तैयार कर लेंगे। और
और हम इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब होता रहे। और अब हम अपनी स्टफिंग जो है उसे स्प्रेड करेंगे अपनी रोटी पे। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहता है पराठा बनाने में भी और स्टफिंग को फिल करने में। अगर आप चाहो तो जैसे कुछ लोग बनाते हैं सिंगल रोटी से बना लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और थोड़ा स्टफिंग भी उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और मेन जो है हमें साइडों से लॉक करना है। और हमने इसमें इसकी जो साइड्स हैं उसको अच्छे से लॉक करना है ताकि जो हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें पनीर, कोई भी सब्जी और जो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और देखो, मैं रोटी बेल रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पराठे को बेलना है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो पराठा फटकर बाहर ना आए। हमें इसको बिल्कुल भी प्रेशर डालकर नहीं बेलना, हमें इसको हल्के हाथों से ही बेलना है। फिर आप चाहे जितनी मर्जी स्टफिंग डालो वो आपकी कभी भी बाहर नहीं आएगी। अब हम तवे पे थोड़ा सा लगाएंगे घी और डालेंगे अपना पराठा। हमें इसको पलट देना है और हम लगाएंगे इस साइड पे घी। आप घी, रिफाइंड, डालडा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में देसी घी पसंद करते हैं तो हम देसी घी से ही पराठा बनाते हैं। हमें दोनों साइड पे घी लगाना है अच्छे से। पराठा है तो घी तो फिर जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा, और घी के बिना पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे और अच्छे से जब तक हमारा पराठा सिकता है हम अपना। अब हमारा पराठा सिक चुका है, अच्छे से साइड से सेंटर में से अच्छे से पराठा जितना हम सेकेंगे उतना हमारा पराठा क्रिस्पी बनेगा, अच्छा बनेगा। और अब हम गैस करेंगे बंद और हमारा पराठा बनकर तैयार है। आप दही के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप पराठा खा सकते हो। और पराठा हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बना है और साइड से कहीं से भी हमारा जो पराठा है वो फटा नहीं, हमारी फिलिंग जो है बाहर नहीं आई। तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।